दोस्तों, स्वागत है हमारे SDS एंटरटेनमेंट चैनल पे आपका। आज हम लोग आपको कंसेंटमेंट के बारे में कुछ जानकारी देंगे और उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताएंगे। ये स्पेशली मैंने CEC एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो कि ये महीने में 27-28 से शुरू होने वाले हैं इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स, और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के लिए बहुत काम आएगा। और डिग्री लेवल के स्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में है, उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम है तो मदद करेगा सीखने में। तो हम लोग बात करते हैं कंसाइनमेंट की। एक्चुअल में कंसाइनमेंट होता क्या है? कंसाइनमेंट एक्चुअली एजेंसी टाइप बिजनेस है, जिसके अंदर ओनर डायरेक्टली अपना मटेरियल खुद ना बेच के एक एजेंसी के थ्रू, यानी एक इंटरमीडिएट के थ्रू कस्टमर को बेचता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली जीवन में, यानी रेगुलर यूज होने वाले, हम लोग नॉर्मली शॉप से खरीदते हैं, लेकिन उसके मालिक है तो कहीं और दिल्ली मुंबई में रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक इधर पे हर एक स्टेट लेवल पे अपने एक ब्रांचेस को ओपन करते हैं, या फिर अगर ब्रांचेस ओपन नहीं कर सके तो एजेंसी के थ्रू है तो मटेरियल को सेल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट पर्सन को देते, वो लोग रिटेल शॉप्स के आते, फिर वहां से हमार को आता। तो ये जो इंटरमीडिएट जो रहता बीच में, उसको नॉर्मली हम लोग एजेंट बोलते हैं। फ्री में तो काम करेंगे नहीं, सीधी सी बात है कि कुछ कमीशन भी लेगा उन्होंने। तो कंसाइनमेंट एक्चुअली कमीशन बेस्ड बिजनेस है, जिसके अंदर दो पार्टी होती है। एक है पार्टीज दो है। पहली है कंसाइनर, जिसको हम लोग ओनर ऑफ गुड्स कहेंगे। दूसरी पार्टी है कंसाइनी, जिसको हम लोग एजेंट एंड सेलर ऑफ गुड्स कहेंगे। ठीक है, तो दो पार्टी है, ओनर और एजेंट। ओनर को हम लोग कंसाइनर कहेंगे, एजेंट को हम लोग कंसाइनी कहेंगे। बहुत आसान है ये। इसके अगर कुछ हम लोग वर्किंग नोट्स अगर देखेंगे, मान लो कि अगर गुड्स पूरी तरह से नए बच के, अगर थोड़ा बच भी गया, पूरा नहीं बिक के, तो उसको हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक कहेंगे। वो प्रॉब्लम के साथ हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर एक कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, डेल क्रेडर। डेल क्रेडर कमीशन, ये 2 मार्क्स में आएगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को स्पेशली। डेल क्रेडर कमीशन क्या होती? डेल क्रेडर कमीशन होती एक्स्ट्रा कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर। एक्स्ट्रा कमीशन गिवन बाय द कंसाइनर टू हिज कंसाइनी ऑन या फिर टू रिकवर बैड डेब्ट्स। क्योंकि इसके अंदर है तो ओनर है तो खुद पैसे का कलेक्शन नहीं करेगा, एजेंट सोचने वाली बात है। अगर एजेंट है तो गुड्स को बेचेगा तो कलेक्शन भी एजेंट ही करेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी है तो क्रेडिट पे गुड्स को परचेस करके है तो कुछ पेमेंट नहीं करती, तो वो बैड डेब्ट्स अमाउंट हो जाता, इररिकवरेबल अमाउंट। तो वैसे सिचुएशन पे जो लॉस रहता वो ओनर को लॉस होता, क्योंकि एजेंट तो सीधा कहेगा मेरे पास जो मटेरियल था वो मैंने बेच दिया, अपनी कमीशन कट कर ली, बाकी का पेमेंट आपको दे दिया। तो वैसे टाइम पे अब ये जो बैड डेब्ट्स का लॉस है ओनर को होता। तो ओनर फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए, यानी ध्यान में रखते हुए, एक एक्स्ट्रा कमीशन उसको देता एजेंट को, नॉर्मल कमीशन को रखते हुए। एक्स्ट्रा कमीशन जो देता वो बैड डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए रहती। आज अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है, यानी डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है ओनर, तो एजेंट तब एजेंट है तो बैड डेब्ट्स का रिस्पॉन्सिबल बनेगा, ओनर है तो बैड डेब्ट्स का रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स नहीं होना और बैड डेब्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एजेंट की रहना, यही सोच के ओनर है तो डेल क्रेडिट कमीशन इशू करता। एक्चुअल में डेल क्रेडिट कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन है,
जो ऑर्डिनरी कमीशन के साथ प्लस होती। एक छोटा सा का हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरली इसके अंदर हम लोग तीन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है कंसाइनी अकाउंट, तीसरा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तीन अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, राजीव एंड कंपनी ऑफ चेन्नई कंसाइंड 100 रेडियोस टू तेजा एंड कंपनी ऑफ हैदराबाद। कंसाइंड का मतलब होता है फॉरवर्ड करना, सेंड करना। तो राजीव एंड कंपनी है चेन्नई की, कंसाइंड कर रही 100 रेडियोस टू तेजा एंड कंपनी को जो कि हैदराबाद की है। द कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो वॉज 500 और एक रेडियो की वैल्यू 500 है। कभी भी ऐसा ईच, ठीक है, पर यूनिट ऐसा देगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जनरली उन्होंने अमाउंट दे देता, वैल्यूज दे देता, कभी ऐसा पर रेडियो ईच ऐसा दिया तो मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट, राजीव एंड कंपनी, राजीव एक कंजाइनर है क्योंकि जो भी गुड्स फॉरवर्ड करता वो कंजाइनर रहता और जो गुड्स रिसीव करता वो कंजाइनी रहता। तो राजीव कंजाइनर है और तेजा कंजाइनी। उसके बाद राजीव एंड कंपनी पेड इंश्योरेंस 500, फ्राइट 800। राजीव के एक्सपेंसेस को हम लोग कंजाइनर एक्सपेंसेस कहेंगे जो कि बैंक एक्सपेंसेस होंगे आगे चल के। फिर उसके बाद अकाउंट्स सेल्स वॉज रिसीव्ड फ्रॉम तेजा एंड कंपनी शोइंग द सेल्स है 80 रेडियोस। टोटल हम लोग फॉरवर्ड कर रहे थे 100, उन्होंने सेल कर रहा 80, तो 20 रिमेनिंग रह गए। 20 जो रिमेनिंग हो गए उसको हम लोग अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे। और अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू। तो 80 रेडियोस उन्होंने सेल कर रहा है, 600 ईच है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर डिडक्टेड बाय देम। अब क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 150 है, कमीशन 2400। बनाना क्या है हमारे को, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। एक्चुअली आपको बोलेंगे उन्हें नेसेसरी अकाउंट्स जो भी है, लेजर अकाउंट्स वो बनाने के लिए। तीन अकाउंट्स बनाना है, कंसाइनमेंट, कंसाइनी, जीएससी के बारे में नहीं भी बोला तो हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं कंसाइनमेंट। यहीं बना लेंगे, क्रेडिट डेबिट। चलिए सबसे पहले एंट्री लिखेंगे जीएससी। जीएससी का मतलब है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट पे हम जो भी गुड्स को भेज रहे हैं उसको हम लोग जीएससी में लिखेंगे। और हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं 100 रेडियोस, ईच रेडियो 500 है, तो 100 इंटू 500 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50,000। सेकेंड एंट्री रहेंगी बैंक एक्सपेंसेस। बैंक एक्सपेंसेस के अंदर ओनर के एक्सपेंसेस लिखेंगे। ओनर के एक्सपेंसेस क्या है, देखिए, राजीव एंड कंपनी पेड 500, फ्राइट 800। तो सबसे पहले है इंश्योरेंस 500, उसके बाद फ्राइट 800, टोटल 1,300, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है अकाउंट सेल्स वॉज रिसीव फ्रॉम द तेजा एंड कंपनी शोइंग सेल्स है, ये साइड लिखेंगे सेल्स। कंजाइनी का नाम या फिर कंजाइनी बोल के भी लिख सकते हैं हम, कंजाइनी का नाम लिख लेंगे। कंजाइनी का नाम तेजा है, तेजा एंड कंपनी सेल्स 80 इंटू 600 ईच है, 8 6 48, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे अनसोल्ड स्टॉक लिखेंगे, अनसोल्ड स्टॉक को हम लोग कंजाइनमेंट स्टॉक कहेंगे जो कि 80 रेडियोस है। 80 रेडियोस की वैल्यू हमारे को नहीं पता, 80 रेडियोस हम
की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन उसके आगे भी कुछ इंटर है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस वेर डिडक्टेड बाई देम सेलिंग 150 कमीशन 2000। तेजा का है तो तेजा एंड कंपनी एक्सपेंसेस 150 तेजा एंड कंपनी कमीशन 2400। ठीक है, अब अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कैसा करते हैं देखिए। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, एक छोटा सा इक्वेशन बना लेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले लेंगे जीएससी प्लस बैंक एक्सपेंसेस प्लस कंजाइनी नॉन रिकरिंग इनटू अनसोल्ड स्टॉक बाय टोटल स्टॉक। ठीक है, अब जीएससी तो हमारे को पता है, जीएससी है क्वेश्चन के हिसाब से 50,000, बैंक एक्सपेंसेस है 1,300। जीएससी 50,000 प्लस बैंक एक्सपेंसेस 1,300। अब रही बात कंजाइनी नॉन रिकरिंग कह रहा है, अब नॉन रिकरिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ये समझो आप। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते जब गुड्स को हम लोग परचेस करके हमारे पास गोडाउन को लेकर आते, वैसे टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यानी गुड्स को बेचने से पहले, यानी गुड्स को खरीदते वक्त, या फिर अगर एजेंट हमारे को फॉरवर्ड कर रहा तो वहां से अपने वेयर हाउस गोडाउन तक लाए तक, और उसके मेंटेनेंस के ऊपर जो भी खर्च होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं। और जब एक्सपेंसेस हम लोग बेचने के लिए करते हैं उसको रिकरिंग कहेंगे हम लोग। तो फिलहाल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को पहचानेंगे कैसा, नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल यहां लिख दूंगा, फ्राइट, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्राई और ड्यूटीज। इसमें से अगर कोई भी एक नाम कंजाइनी के अंदर हो तो उसको हम लोग इधर पे लेंगे। अगर ऐसा कोई भी नाम अगर नहीं है, फ्राइट, कैरेज, कार्टेज, ऑक्ट्राई या फिर ड्यूटीज, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। ऐसा देखा जाए तो तेजा इन कंपनी एक्सपेंसेस है, स्पेशली कहीं पर भी नेम मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको इग्नोर करेंगे, छोड़ो। इनटू अनसोल्ड था 20 बाई टोटल था 100, 20/100 दोनों को प्लस कर लो, 51,300 इंटू 20/100, 10 10 10 10 कट, 5130 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200, 23 6, 21 2, 25 10, 10,260 इसकी वैल्यू आई। अब हम लोग क्या करेंगे इन सब का टोटल ले लेंगे। इसका टोटल है 58,260, और इधर का टोटल है 58,260 माइनस, पूरों को अगर प्लस करेंगे तो हम लोग 0 5 3 4 4 8 3 5 0 1 कैरी करो, 12 में से गया तो 4, 7 बचा, 7 में से 3 गया तो भी 4, 4,410। और ये जो भी है इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे कंजाइनी, कंजाइनी की जो भी एंट्रियां रहेंगी
उसको ही हम लोग लिखेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जितनी एंट्रियाँ मैं इसमें लिया अकाउंट्स में, ये कंपलसरी आने वाली एंट्रियाँ हैं, हर एक एग्जाम में एंट्रियाँ आएंगी। और क्वेश्चन जो हमारा था अकॉर्डिंग इसके हिसाब से ही रहेगा। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, छठवीं, तो क्वेश्चंस भी हमारा इस हिसाब से ही रहेगा। जैसा अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है इस हिसाब से रहेगा। अगर आप लोग इसको बाय हार्ट भी कर लेके जाएंगे तो इसको देखते हुए, क्वेश्चंस को देखते हुए आप लोग अमाउंट्स को डाल सकते हैं। एंट्रियाँ वही रहेंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और इधर पे नेम चेंज हो जाएगा, तेजा की जगह कोई और आएगा। अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट किसका बनाएंगे? तेजा का। सिर्फ तेजा की ही एंट्रियाँ लेंगे, डेबिट वाली एंट्री को क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे और क्रेडिट वाली एंट्री को डेबिट में। अब इधर पे तेजा क्रेडिट है, इसको डेबिट करेंगे, और इधर पे दो है तेजा, एक एक्सपेंसेस है, कमीशन है, दोनों को क्रेडिट करेंगे। तेजा एंड कंपनी अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट टू भाई, इधर पे लिखेंगे उसका सेल्स जो क्रेडिट में था, देखते देखते लिखेंगे, आसानी हो जाएगी। इधर पे था सेल्स, सेल्स है 48,000, क्रेडिट है, इसको डेबिट में लिखेंगे। कंसाइनमेंट सेल्स 48,000, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस थे, कंसाइनमेंट के नाम से लिखेंगे, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस थे क्वेश्चन के हिसाब से 150 और कमीशन 2,400, 150, 2,400 बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस हो गए, कमीशन 2,400 और ये 150। अब इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एंट्री आने वाली रहेंगी तो वो कौन सी रहेंगी? एक्स्ट्रा एंट्री रहेंगी या तो वो एडवांस के नाम से आएंगी, या फिर बिल्स के नाम से रहेंगी, या फिर ड्राफ्ट के नाम से। इसमें से कोई भी एंट्री अगर क्वेश्चन में दिखे तो उसका कंसाइनमेंट में कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा, उसको कंसाइनिंग के क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग। ये साइड फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, माइनस कर लेंगे 48,000। टोटल 48 माइनस इसका टोटल 2,550, 5,947 में से 5,4, जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, 45,450। तो ये था हमारा कंसाइनिंग अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम लोग जीएसई, जिसको हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहेंगे। छोटा सर का अकाउंट बनेगा ये, पर्टिकुलर अमाउंट। जीएससी अकाउंट बनाएंगे सिर्फ जीएससी के लिए, और जीएससी की सिर्फ एक ही एंट्री है 50,000 की, और ये डेबिट में है, इसको हम लोग अपोजिट क्रेडिट में लिखेंगे कंसाइनमेंट के नाम से। अब इधर पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर और कोई भी अगर चैप्टर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।